हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। आज हम वह प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें स्मार्ट टॉक लिखा हुआ है। इस प्लेलिस्ट में हम सीक्वेंस से पढ़ते चले जा रहे हैं, हम एक क्रम से पढ़ते चले जा रहे हैं, और इस क्रम में जो स्मार्ट टॉक हमारी बुक है उसमें जो जो भी दिया गया है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो सारा का सारा हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। बीच में हमने सबसे ज़्यादा वीडियो डेली यूज़ इंग्लिश स्पोकन वाली प्लेलिस्ट में ज़्यादा अपलोड किए हैं, लेकिन आज हम पुनः इस वाली प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि ये हमारा एक क्रम चल ही रहा था। तो जो स्टूडेंट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद ब खुद कमेंट्स कर दोगे, आप खुद ब खुद लाइक करोगे। ये मैं फिर भी बार बार कहता रहता हूँ मेरे वीडियो में कि आजकल क्या है, मनोरंजन की सामग्री ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा सरल है और सहजता से उपलब्ध है। तो हमारा मनोरंजन के प्रति कुछ ज़्यादा रुझान है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हर आदमी जब तनाव में होता है तो मनोरंजन करता ही है, और मैं तो ये मना नहीं करूँगा कि मनोरंजन के वीडियो देखो ही मत, क्योंकि मैं खुद मनोरंजन के वीडियो देखता हूँ। लेकिन बात वो है लेदे के कि आखिर हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। जो आज की ज़रूरत है, जो समय की मांग है, वह तो हमें सीखना ही पड़ेगा। यूट्यूब चैनल से सीखो, बुक से सीखो, मैगजीन से सीखो, न्यूज़ चैनल से सीखो, कहीं से भी सीखो, अंततः सीखना तो है ही, नहीं तो हम इस दुनिया के सब कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो वही बात है कि हमें सीखने के लिए नए नए पैंतरे अपनाना पड़ता है, और फिर जब हम सीख जाते हैं उस हिसाब से फिर हमें सफलता मिलती है। हम कहते हैं कि हम किसी पोस्ट को नहीं चुनते, कोई भी पोस्ट हमें चुन लेती है। जब हम काबिल होते हैं तो उस काबिलियत के आधार पर कोई भी पोस्ट हमें चुन लेती है, और जब हम काबिल नहीं होते हैं तो हम कितना ही घूमते फिरें, भागते फिरें, हमें नहीं मिल सकती जो चीज़ हम चाहते हैं, क्योंकि हम उसके लिए काबिल नहीं हैं। तो काबिलियत बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है कि बस सीखते रहो और सीखते रहो। सीखते सीखते एक समय ऐसा आएगा कि जब आप सीख चुके होंगे और जितना सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी शानदार पोस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आज के हमारे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मॉडल्स। तो जनरली मैंने आपको बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए हैं, मैंने आपको कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, उसके साथ मैंने टेंस भी बताया आपको, उसके साथ अगर पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपने पैसिव वॉइस भी पढ़े हैं। फिर अब मैं क्या मॉडल्स बताने वाला हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ मॉडल्स से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। यह एक ही वीडियो में आप सारा कुछ सीख सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो दोबारा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही बार में सारे मॉडल्स को वॉइस में कन्वर्ट करने की आप विधि सीख जाएंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। जैसे कि ऊपर हेडिंग्स दी हुई है मॉडल, देखिए जैसे कि ऊपर हेडिंग दी हुई है मॉडल, ये मॉडल दिया हुआ है। मॉडल्स को अगर हम समझें तो उसका मतलब होता है नमूना। तो ये नमूने ही हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए, मे, कैन, कुड, शुड, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे एक्टिव है तो यू कैन सिंग अ सॉन्ग, आप गाना गा सकते हो, और जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, अ सॉन्ग कैन बी संग बाय यू। मॉडल्स और एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, मॉडल की बाद में बात करते हैं, पहले एक्टिव और पैसिव को समझ लें। एक्टिव में हमेशा आदमी की बात होती है और पैसिव में हमेशा काम की बात होती है। जब मैं ये कहूँ कि मैं कार चलाता हूँ तो किसकी बात हो रही, मेरी बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे मुझ पर फोकस किया जा रहा है कि मैं कार चलाता हूँ। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि कार मेरे द्वारा चलाई जाती है, अब किस पर फोकस हुआ, अब कार पर फोकस हुआ, मुझे पीछे डाल दिया कोने में। तो कुल मिला के बात यही है कि जब हम काम की बात करते हैं तो पैसिव होता है और आदमी की बात करते हैं तो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो मान के चलिए आदमी से हम काम पर शिफ्ट हो जाते हैं, काम की बात होने लगती है। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। दूसरा है जैसे कि अब इसके जो हमने सिक्स बना के देखते हैं, अ सॉन्ग कैन बी संग बाय यू, ठीक है, अ सॉन्ग कैन बी संग बाय यू। इसका सेकंड है अ सॉन्ग कैन नॉट बी संग बाय यू, फिर इसका इंटरोगेटिव है कैन अ सॉन्ग बी संग बाय यू, कैन अ सॉन्ग बी संग बाय यू। फिर है कांट अ सॉन्ग संग बाय यू, क्या गाना नहीं गाया जा सकता मेरे तुम्हारे द्वारा, वाई कैन अ सॉन्ग बी संग बाय यू, तुम्हारे द्वारा गाना क्यों गाया जा सकता है, वाई कांट अ सॉन्ग संग बाय यू, वाई कांट
अ सॉन्ग बी संग बाय यू, गाना तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं गाया जा सकता है। ठीक है, हमने एक समझ लिया है। अब बड़े विस्तार से हम सारे के सारे एक्टिव से पैसिव चेंज कर लेंगे। देखो कैसे होगा, एक्टिव वॉइस ये लिखे हुए हैं, पैसिव वॉइस ये लिखे हुए हैं। जब देखें हम मे बी की बात करेंगे, मे की बात करेंगे, मे सी तो हो जाएगा मे बी सीन, माइट सी का हो जाएगा माइट बी सीन, कैन सी का हो जाएगा कैन बी सीन, कुड सी का हो जाएगा कुड बी सीन, सेल सी का हो जाएगा सेल बी सीन, और कुड सी का हो जाएगा शुड सी का हो जाएगा शुड बी सीन। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना उसमें। जैसे मे सी है तो मे बी सीन करना है, मे प्लेड है तो मे बी प्लेड हो जाएगा, जैसे ठीक है ना। तो कुल मिला के बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, बी के साथ बी थ्री, एनी प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं करना। चलो आगे देखते हैं, जैसे कि और बिल सी बिल बी सीन, वुड सी वुड बी सीन, ऑट टू सी ऑट टू बी सीन, मस्ट सी मस्ट बी सीन, नीड सी नीड टू बी सीन, यूज टू सी यूज टू बी सीन, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं, और मैंने तरीका बताया आपको करने का, ये देखो, ये देखिए एक्टिव से पैसिव, हमने यहाँ पे विथ एग्जांपल के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए जैसे कि ये दिया है एक्टिव और ये दिया है पैसिव। मे, सबसे पहले मे का देख लेते हैं, जैसे कि सी मे ड्राइव द कार, शी मे ड्राइव द कार, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द कार मे बी ड्राइवन बाय हर, और अगर यहाँ पे मे की जगह माइट हो जाए तो कार माइट बी ड्राइवन बाय हर, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर देखिए कुड का प्रयोग करते हैं हम, द पेशेंट कुड ईट द ब्रेड टुडे, द पेशेंट कुड ईट द ब्रेड टुडे, पेशेंट आज ब्रेड खा चुका या खा सका, पेशेंट आज ब्रेड खा सका, मरीज आज ब्रेड खा सका, तो देखो द ब्रेड कुड बी ईटन बाय द पेशेंट टुडे, द ब्रेड कुड बी ईटन बाय द पेशेंट टुडे, तो देखो कुछ भी नहीं करना, जो मैंने बताया था वही, कुड बी वर्ब द थर्ड फॉर्म, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आगे देखते हैं, ऑट टू, द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर, द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर, द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर, मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पुअर ऑट टू बी हेल्प्ड बाय द रिच, द पुअर ऑट टू बी हेल्प्ड बाय द रिच, एनी प्रॉब्लम? आगे देखो, बी मस्ट बीट हिम, बी मस्ट बीट हिम, हमें उसे पीटना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट बी बीटन बाय अस, ही मस्ट बी बीटन बाय अस। बार बार प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिख के देखो, आपसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, मुझसे बन सकता है, आपसे क्यों नहीं बन सकता। शुड का प्रयोग देख लेते हैं भाई, दे शुड नॉट रेज द क्वेश्चन, दे शुड नॉट रेज द क्वेश्चन, उन्हें सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन शुड नॉट बी रेज्ड बाय देम, द क्वेश्चन शुड नॉट बी रेज्ड बाय देम, एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो विल का प्रयोग देख लेते हैं भाई एक बार, विल ये दिया है, विल, विल यू पनिश मी, विल यू पनिश मी, तो देखो कितना सिंपल, अब हम उसे पैसिव करते हैं, शैल आई बी पनिश्ड बाय यू, क्योंकि यू के साथ विल लगता है और आई के साथ सेल लगता है, इसलिए सेल आ जाएगा यहाँ पे, सेल आई बी पनिश्ड बाय यू। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी और आगे देख लेते हैं। वीडियो देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसे कभी भी कहीं भी बार बार देख सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है, वो देखना भी चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ भी देते हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, और मेरी भी मेहनत सफल हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हो, प्रतिक्रियाएं दे रहे हो, दैट इज़ गुड फॉर मी, दैट इज़ ऑल राइट, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे देखते हैं हम, यूज़ टू, यूज़ टू, देखो ये दिया यूज़ टू, तो सीधी सी बात है, यूज़ टू भी थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, देखते हैं कैसे, सी यूज़ टू अर्न मनी, सी यूज़ टू अर्न मनी, वह पैसे कमाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, द मनी यूज़ टू बी अर्नड बाय हर, द मनी यूज टू बी अर्न बाय हर। मे का देख लीजिए भाई, ही मे हेल्प द पुअर, ही मे हेल्प द पुअर, हो सकता है वह गरीबों की मदद करे, तो क्या हो जाएगा,
पुअर मे बी हेल्प्ड बाय हिम, हो सकता है उसके द्वारा गरीबों की मदद की जाए, पुअर मे बी हेल्प्ड बाय हिम। माइट का प्रयोग देख लीजिए भाई, यू माइट विन द मैच, हो सकता है शायद आप मैच जीत सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अ मैच माइट बी बॉर्न बाय यू, अ मैच माइट बी बॉर्न बाय यू। कुछ भी नहीं करना, वही मैच को आगे लगा देते हैं। कुल मिला के हमारा पैसिव कर्म प्रधान वाक्य होता है, वहाँ पे हम कर्म की प्राथमिकता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। नीड देखिए भाई, यू नीड फिनिश दिस वर्क, यू नीड फिनिश दिस वर्क, तो देखेंगे दिस वर्क नीड टू बी फिनिश्ड बाय यू, दिस वर्क नीड टू बी फिनिश्ड बाय यू। आगे देखते हैं, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, तो क्या हो जाएगा, वुड दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू प्लीज, वुड दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू प्लीज, वुड दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू प्लीज, तो हो जाएगा ओके। चलो आगे बढ़ाते हैं, और देखिए, ये देखिए अब यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिए अपनी खुद की किताब है, ये लिखा हुआ है स्मार्ट टॉक इंग्लिश, ये खुद इस किताब को मैंने तैयार किया है बड़ी मेहनत से, तो कम से कम ये है कि मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो उस मेहनत का फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, इसलिए आप भी बड़े ध्यान से इंग्लिश सीखें, इंग्लिश पढ़ें, ताकि आप भी एक सफलतम ज़िंदगी जी सकें। फ्रेंड्स, कुछ दिन से मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं डिस्ट्रिक्ट का मास्टर ट्रेनर हूँ और मैं टीचर्स को ट्रेन करता हूँ इलेक्शन के लिए, तो अभी मैं इलेक्शन के लिए ट्रेन करता हूँ, कल मैं सब्जेक्ट के लिए ट्रेन करूँगा, उसके बाद मैं और भी जो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए ट्रेन करूँगा। तो अगर आप एक्टिव होते हैं, अगर आप आगे रहते हैं, तो स्वाभाविक है आपको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को पॉलिश करते हैं, हम अपने आप को प्रैक्टिस में लाते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर कभी खुद को डॉक्टर नहीं लिखता, वो लिखता है कि प्रैक्टिसनर, वो कहता है आई एम प्रैक्टिसिंग इन माई क्लिनिक, आई एम प्रैक्टिसिंग इन गाडरवारा, आई एम प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। एक डॉक्टर हमेशा पूरे जीवन भर यही कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आ गया और अब मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो यही बात है कि हमेशा सीखने के मामले में हमेशा आगे रहिए, एक्टिव रहिए, और इसकी कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि आपको अपना नींद चैन सुख त्यागना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। बात वही है, कुछ तो खोना ही पड़ता है कुछ पाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ओके, चलो और हम आगे देखते हैं। बीच बीच में आप सोचते होंगे कि सर बड़ा मोटिवेट करते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो हम यहाँ पे कर लेंगे यू माइट बी आस्क्ड, या यू मे बी भी हो सकता है, यू मे बी, क्योंकि माइट का प्रयोग भी शायद होता है और मे का प्रयोग भी, 50% संभावना होती है, तो माइट के स्थान पर हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, समस्या को किसी भी तरह नहीं सुलझाया जा सकता, तो क्या नहीं सुलझाया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व्ड एनी हाउ, समस्या को किसी भी तरह नहीं सुलझाया जा सकता, प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व्ड एनी हाउ। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं, शायद उसे अगवा किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही या शी माइट बी किडनैप्ड, अगवा करने को क्या बोलते हैं, किडनैप्ड, तो क्या हो जाएगा, सी माइट बी किडनैप, यह कमरा 5 मिनट के अंदर साफ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यह कमरा को क्या बोलेंगे, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड within 5 minutes, any problem, this room should be cleaned within 5 minutes। आगे देखते हैं, बलात्कारियों को फांसी दे देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रेपिस्ट क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें जरा, रेपिस्ट मस्ट बी हंग,
इनको बलात्कारियों को सजा दी जानी चाहिए, इनको फांसी पर लटका देना चाहिए, रेपिस्ट मस्ट बी हंग। आगे देखते हैं, अब इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश से हमें हिंदी करना है। जैसे कि अर्थक्वेक विक्टिम्स कुड नॉट बी रेस्क्यूड, अर्थक्वेक विक्टिम्स कुड नॉट बी रेस्क्यूड, इसका मतलब है कि भूकंप पीड़ितों को नहीं बचाया जा सका, भूकंप पीड़ितों को नहीं बचाया जा सका। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, विक्टिम कुड नॉट बी रेस्क्यूड। आई शैल टू ओब्लाइज फॉर एवर, आई शैल बी ओब्लाइज फॉर एवर, मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा, आई शैल बी ओब्लाइज फॉर एवर, हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा आपके लिए, ठीक है। इफ़ वी हैव मनी दिस डील वुड बी डन, इफ़ वी हैव मनी, अगर हमारे पास पैसे हुए तो यह डील पक्की हो जाएगी, यह डील हो जाएगी, यह सौदा हो जाएगा। द टेररिस्ट नीड टू फिनिश्ड फ्रॉम कंट्री, द टेररिस्ट नीड टू बी फिनिश्ड फ्रॉम द कंट्री, इसका मतलब है कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, इनको देश से समाप्त किया जाना चाहिए। टेररिस्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंट्री या मस्ट बी फिनिश्ड फ्रॉम कंट्री, देश से आतंकवादियों को समाप्त किया जाना चाहिए। टेररिस्ट होता है आतंकवादी। अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और सीखने के एक अलग अंदाज है कि हमारे पास अंग्रेजी में लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको हम हिंदी में बदलेंगे तो इससे हम और आसानी से सीख जाएंगे। बड़े आराम से एक एक लाइन को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करता हूँ और ये वीडियो पूरा एक साथ डालूंगा, इस भरोसे में मत रहना कि यार बड़ा वीडियो है इस उसमें तो कब देखेंगे कैसे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो जरा, टेररिज्म इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इट शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इसे समाप्त किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और देश के विकास के भी खिलाफ है ये। इनफैक्ट आवर नंबर्स ऑफ सोल्जर्स आर मार्टर्ड ऑन द बॉर्डर टू प्रोटेक्ट अस, इनफैक्ट वास्तव में हमारे कई सैनिक, नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारे कई सैनिक आर मार्टर्ड, शहीद हो जाते हैं ऑन द बॉर्डर टू प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कई शहीद बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। बट देयर वैल्यूएबल सेक्रीफाइस इज फॉरगॉटन बाय द पीपल, परंतु उनका जो वैल्यूएबल, उनका जो बहुमूल्य जो सेक्रीफाइस है, उनका त्याग है, उसको हमारे द्वारा भुला दिया जाता है। और कहते हैं ना कि उसने एक अजनबी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और वो एक अजनबी आप हैं, दैट इज़ वाई दैट सेक्रीफाइस ऑफ द सोल्जर शुड नॉट बी फॉरगॉटन, मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन, वी शुड रिमेंबर ऑलवेज, ओके। वेयर एज वी आर सेफ बिकॉज ऑफ देम, जबकि हम उनके कारण ही सुरक्षित हैं। द जॉब ऑफ आर्मी इज़ फुल ऑफ करेज एंड रिस्क, इवन देन कंट्री मैन ज्वाइन इट, इवन देन कंट्री मैन ज्वाइन इट। द जॉब ऑफ आर्मी, जो सेना का जो जॉब है, सेना की जो नौकरी है, वो बहुत ही साहस की और बहुत ही खतरे से भरी है, फिर भी देश के लोग इसे ज्वाइन करते हैं, फिर भी देश के लोग इसमें शामिल होते हैं। द आर्मी इज कॉल्ड द सेफ्टी कवर ऑफ आवर कंट्री, जो आर्मी होती है, जो फौज होती है, जो सेना होती है, वो हमारे देश का सेफ्टी कवर होती है, हमारे देश का सुरक्षा कवच होता है। अगर सुरक्षित नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। नाउ अ स्ट्रॉन्ग स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रूट आउट टेररिज्म, अब सरकार को एक कठोर कदम उठाना चाहिए करप्शन को रूट आउट करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए। आई रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर देयर ड्यूटी एंड पेट्रियटिज्म, मैं भारत के सैनिकों को अपने दिल की गहराई से उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी नौकरी के लिए और उनकी देशभक्ति के लिए। तो इस प्रकार से यह है, आपको यहाँ पे हिंदी में आपको यहाँ पे लिख लेना है, इससे हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 71 पेज पर, थोड़ा सा और देखते हैं, उसी प्रकार का है, ठीक है। ये देखो जैसे कि यू वुड वंडर आफ्टर हियरिंग दिस, इसका क्या होगा हिंदी, कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा। यू वुड वंडर आफ्टर हियरिंग दिस, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। दूसरा है ही यूज्ड टू स्पीक ऑफ यू सो ऑफन, वह अक्सर आपसे बात किया करता था, इसका हिंदी क्या होगा, ही यूज्ड टू स्पीक ऑफ यू सो ऑफन,
वह अक्सर आपसे बात किया करता था। आई यूज़ टू अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड, मैं तुमको अपना दोस्त समझता था। ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव ही है। ये हमने इस प्रकार से सेंटेंस बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा से मज़ेदार सेंटेंस हैं। आई यूज़ टू अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। कई बार ऐसा हम बोलते हैं। मे आई बी सेक्रीफाइस अपॉन यू, तुम पर बारी जाऊँ, या तुम पर कहते हैं ना, मे आई बी सेक्रीफाइस अपॉन यू, मैं तुम पर बारी जाऊँ या मैं तुम पर बारा जाऊँ, ठीक है, मतलब मैं तुम पर समर्पित हो जाऊँ। मे आई बी सेक्रीफाइस अपॉन यू, अक्सर ऐसा बोलते हैं। शायद यह है सच हो, इट माइट बी ट्रू, शायद यह सच हो। काश वह मेरे समर्पण को समझ लेता। वुड दैट ही अंडरस्टैंड माई सेक्रीफाइस, समझता। वुड दैट ही अंडरस्टैंड माई सेक्रीफाइस। चश्मा उतारने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वेयर ऑफ ग्लासेस, या नो नीड टू पुट ऑफ योर ग्लासेस। चश्मा उतारने की जरूरत नहीं है। नज़र वाले चश्मे को ग्लासेस बोलते हैं और नॉर्मल चश्मे को गॉगल बोलते हैं। कहीं रात को सर्दी ना हो, तो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कहीं रात को सर्दी ना हो, ठीक है। इट शुड नॉट बी, या हम कहते हैं इट वुड बी, या इट माइट बी कोल्ड इन नाइट, इट माइट बी कोल्ड इन नाइट, कहीं रात को सर्दी ना हो। चलो अब ज़रा इसको और देख लेते हैं। हर काम को समय पर किया जाना चाहिए। अब देखो इसको हम इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, अभी हमने इंग्लिश से हिंदी में किया था, अब हम हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं। हर काम को समय पर किया जाना चाहिए, आप भी अपनी कॉपी में करेंगे तो सीख जाएंगे। एवरी वर्क शुड बी डन ऑन टाइम, क्योंकि जो काम आज हो सकता है वह बाद में नहीं हो सकता। बिकॉज द वर्क कैन बी डन टूडे कैन नॉट बी डन टुमारो, जो आज हो सकता है वो कल नहीं हो सकता। और कल का क्या होगा उसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती। और कल क्या होगा, एंड वॉट विल हैपन टुमारो इट नॉट इमेजिन टुडे, कल क्या हो सकता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी इमेजिन टुडे। विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट टाइम टू गेट नॉलेज, बड़े सरल शब्दों में। और यह समय ऐसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए जैसे यह जिंदगी का आखिरी समय है। एंड दिस टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, यह समय ऐसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए जैसे यह जिंदगी का आखिरी समय है। क्योंकि जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं बाद में इनके वे इसके ना होने की शिकायत करते हैं। बिकॉज द पीपल वेस्ट देयर टाइम लेटर दे कंप्लेन फॉर द शॉर्टेज ऑफ इट, वो समय की कमी के लिए शिकायत करते फिरते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा ये वाला पार्ट। देखो, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय द विलेजर्स, क्या ग्रामीणों के द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती है, क्या गांव वालों के द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती है। अफकोर्स इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय द विलेजर्स, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द विलेज, इवन देन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और नॉट ओनली स्पीकिंग आई एम टीचिंग, नॉट ओनली टीचिंग इन इंस्टीट्यूट, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर एंड टीचिंग इन माई स्कूल इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग एज अ मास्टर ट्रेनर। सो दैट्स वाई दैट देर इज नो बाउंडेशन दैट पर्सन कांट स्पीक फ्रॉम द विलेज, दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन स्पीक इफ ही ट्राइज टू लर्न। ओके, देर इज नो बाउंडेशन, देर इज नो एनी सुपीरियर पर्सन रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव टू स्पीक हिज इंग्लिश। ओके, अपनी भाषा बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए उसकी कोई ऐसा विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगला है, पॉपुलेशन ग्रोथ मस्ट बी कंट्रोल इन इंडिया और नॉट, यस शो वाई, इफ नॉट शो वाई, यस ऑफकोर्स दैट पॉपुलेशन ग्रोथ मस्ट बी कंट्रोल इन इंडिया, बिकॉज पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी नीड सो मैनी रिसोर्सेज, सो मैनी सोर्सेज टू प्रोटेक्ट अवर पीपल, टू गिव द स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल टू द पीपल, बट वी हैव नो प्रॉपर रिसोर्सेज एज कंपेरिजन ऑफ अवर पॉपुलेशन। दैट्स वाई पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल्ड, सो दैट वी कैन इमेज अ ब्यूटिफुल अ प्रॉस्पर कंट्री। ओके, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टू
स्टेबलाइज सम मोर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट मस्ट बी कंट्रोल. कैन लव अफेक्शन फीलिंग्स एंड रिलेशन बी परचेस्ड विद द हेल्प ऑफ मनी? इफ नॉट सो व्हाई? नो, द लव अफेक्शन फीलिंग्स कैन नेवर बी बॉट, नेवर परचेस्ड विद द हेल्प ऑफ मनी, बिकॉज दीज थिंग्स रिलेट टू अवर इमोशंस, अवर बिहेवियर, अवर नेचर, अवर पर्सनैलिटी. दीज थिंग्स आर नॉट सेलेबल प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट. दैट्स वाई बी नेवर कैन परचेज लव अफेक्शन फीलिंग्स. इफ बी हैव अ गुड नेचर, ऑटोमेटिकली बी गेट दीज थिंग्स. दैट्स वाई इट इज सैड लव बिगेट्स लव, लव रिस्पेक्ट बिगेस्ट रिस्पेक्ट. इफ यू गिव रिस्पेक्ट समवन, समवन विल रिस्पेक्ट यू. इफ यू केयर समवन, समवन विल केयर यू. दैट्स वाई दीज थिंग्स आर नॉट बॉट फ्रॉम द मार्केट. ओके, हाउ मैनी फ्रेंड्स विल बी इन्वाइटेड ऑन योर बर्थडे? आई थिंक नो बडी विल बी इन्वाइटेड ऑन माई बर्थडे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट माई कमिंग बर्थडे. ओके, इफ अ वॉलेट इज फाउंड बाई यू ऑन द रोड, सो वॉट वुड बी डन बाई यू? अगर आपको रोड पर बटुआ पड़ा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? एज फार एज आई एम कंसर्न, इफ आई फाइंड वॉलेट ऑन द रोड, आई विल ट्राई टू फाइंड इट्स एक्चुअल ऑनर एंड आई विल ट्राई टू रिटर्न इट. ओके, डबरी सिस्टम नीड टू बी बैन और नॉट? ऑफकोर्स डबरी सिस्टम मस्ट बी बैन, बिकॉज डबरी सिस्टम क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, स्पॉइल्स द रिलेशंस ऑफ लाइफ, बिकॉज द पीपल डिमांड मोर एंड मोर डबरी. देर इज नो लिमिट ऑफ डिमांड. दैट्स वाई इट मस्ट बी बैन. देर शुड बी प्रॉपर मैच, देर शुड बी प्रॉपर पेयर फॉर मैरिज, देर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द मैरिज, एंड देर शुड नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ ग्रीड. ए डबरी इज ए टाइप ऑफ ए बार्गेनिंग और डबरी इज ए टाइप ऑफ ए डीलिंग. सो आई थिंक आई एम नॉट इन द मूड ऑफ डबरी. ओके, दिस टाइम दैट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन डिपेंडेंसी बिहेवियर और ह्यूमन क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, इफ वी मेक रिलेशनशिप ऑन द बेस ऑफ डबरी, सो इट कैन बी डिस्टर्ब, इट कैन बी ब्रोकन आफ्टरवर्ड. ओके, बिकॉज दैट मनी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इमोशंस, मनी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स. दैट्स वाई रिलेशन शुड नॉट बी वेस्ट ऑन द बेस ऑफ मनी, ऑन द बेस ऑफ बार्गेनिंग. सच अ रिलेशंस इज अ होलो, सच अ रिलेशंस लॉस्ट इट्स वैल्यू. दैट्स वाई डबरी शुड बी टोटली बैंड. बिकॉज ऑफ डबरी दैट वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीजिंग आफ्टर आफ्टर कंडक्टिंग द मैरिज और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मैरिज. दैट मैरिड कपल स्टार्ट फाइटिंग बिकॉज दे डिड नॉट गेट द प्रॉपर डबरी इन हिज मैरिज और देयर मैरिज. दैट्स वाई देयर शुड नॉट बी द माइंड सेट टू गेट डबरी इन मैरिज. ओके, अगला है, शुड बल्गर टीवी प्रोग्राम बी टोटली बैंड? ऑफकोर्स दैट बल्गर टीवी प्रोग्राम मस्ट बी बैंड, बिकॉज दैट बल्गर टेलीविजन प्रोग्राम्स और बल्गर प्रोग्राम्स दैट एक्साइटेड अवर यूथ, एक्साइटेड अवर यूथ टू डू दैट थिंग्स. बट दिस टाइम स्पेशली द स्टूडेंट लाइफ इज गुड टू गेट नॉलेज. इन स्टूडेंट लाइफ द स्टूडेंट्स नीड्स ए टाइप ऑफ ए बैलेंस, ए टाइप ऑफ ए डिसिप्लिन इन लाइफ. इफ दैट बल्गर टेली प्रोग्राम टेलीकास्टेड बिफोर देम, सो अगेन एंड अगेन दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड दे ट्राई टू डू दैट थिंग्स इन देयर स्कूल एज. दैट इज नॉट गुड फॉर देम. देयर एनर्जी शुड बी कंजर्वेटिव, देयर एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द वन पॉइंट. बट वैन दे वॉच सच अ वल्गर प्रोग्राम्स, देयर एनर्जी डाइवर्टेड टू द नॉनसेंस थिंग्स. ओके, हाउ कैन द पॉवर्टी बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंट्री? ऑफकोर्स नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड, बट द क्वेश्चन इज हाउ. हाउ कैन बी? द पॉवर्टी इज ए गेम ऑफ द माइंड. इफ यू ट्राई टू बी रिच, देन डेफिनेटली सूनर और लेटर यू कैन एलिमिनेट पॉवर्टी ऑफ योर फैमिली. दैट गवर्नमेंट कैन नेवर एलिमिनेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री अंटिल अनलेस अ पर्सन हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू बी रिच और वॉन्ट्स टू रिमूव हिज पॉवर्टी. सो दैट्स वाई ईच एंड एवरी बडी शुड बी रेडी एंड रेडी टू फाइट विद द पॉवर्टी. दैट पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड इजीली. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज क्वेश्चंस. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉन्ट सम मोर वीडियोज, कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू वेरी मच.